फाइनली अनबॉक्सिंग हो रही है, कार्ड लगा के हो चुका है अपना। तो दोस्तों सुबह का क्लास लेने के बाद मैं घर आके सोया था और अभी मुझे कॉल आया है ब्लू डार्ट से कि मेरा कुरियर आ चुका है। तो ये आ गया अपना पार्सल, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, मैं ले लूँगा। चलो फाइनली अपना गार्ड्स आ चुके हैं, तो अभी आपको पता चल गया होगा ये है उनका साइड। तो फाइनली 5 महीने के बाद मेरे बाइक में गार्ड लगने वाले। ये भाई लोग यहाँ तक देकर गए और ये उठा के मुझे घर लेके जा रहा है। 1 hour later ये अपना मिलन सबवे है ना, आई लव सांत क्रूज लिखा है ना, बस उधर ही मैं रहूँगा, वहाँ पे खड़ा राइट साइड पे गैरेज, ये गैरेज है, ठीक है। हाँ रिटर्न आना है, रिटर्न ये खाली ड्रॉप करेंगे, भाई आएंगे आपके साथ। Dear Lord, protect my life, my Lord. In the name of Jesus, I pray, Amen. So hello everyone, good afternoon. Actually मैं आपको अभी टाइम बता देता हूँ। टाइम हो रहा है 3:49 और जैसे कि आप लोग ने देखा मैं मेरे गार्ड को रिक्शे में भेज चुका हूँ, क्योंकि अपने पास बाइक में इतनी प्लेस है नहीं कि मैं उसको बाइक में ले जाऊँ। सो अनबॉक्सिंग भी तो करनी है ना, आप लोग को भी बताना है और कहाँ से लिया है मैंने, वो सारे डिटेल्स आपको देना है। लेकिन सबसे पहले मेरे को देखना है कि जो मैंने मंगवाया वो है कि नहीं, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा जहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो मैं घर बैठे बैठे सोच रहा था यार किसको ले जाओ, कैसे ले जाओ, बहुत बड़ा बॉक्स है और जो गैरेज है वो 10-15 मिनट के दूरी पर है, बट फिर भी वो बॉक्स बहुत बड़ा है, एक ना एक जन चाहिए था मेरे को वो बॉक्स ले जाने के लिए। फिर मुझे पता चला जो मेरा नेबर है वो फ्री था, तो मैंने बोला यार थोड़ा हेल्प कर दो, तो उसने बोला चलो ठीक है। तो उनका काम ये है कि वहाँ पे वो बॉक्स ड्रॉप कर देंगे, फिर वो घर रिटर्न आ जाएंगे, फिर हम करेंगे अपने गार्ड को फिक्स। क्योंकि जब से मैंने बाइक लिया ना दोस्तों, तब से मैंने सोचा था यार इसको गार्ड लगानी है, गार्ड लगानी है। तो फाइनली आज वो दिन है जहाँ पे बसंती को गार्ड लगने वाली है और बेचारी थोड़ी बहुत घस भी चुकी है मेरे वजह से, तो अभी वो हादसा होगा नहीं मेरे बसंती के साथ। मेरे को उनसे पहला पहुँचना है, तो उनको मेरे लिए वेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता अपने को। और यहाँ पे पूरा जोरों शोरों से मेट्रो का काम चल रहा है, पूरा रास्ता भीग गया है। अरे भाई यार, सो ये सिग्नल से लेफ्ट लेंगे और एक्चुअली ये मेट्रो के काम की वजह से ना बहुत ट्रैफिक होती है, बट ठीक है एक बार मेट्रो बन जाएगा तो फिर मज़े ही आ जाएंगे। अरे यार सिग्नल भी बंद हो चुका है। गैरेज अपने राइट साइड में और आई थिंक रिक्शा वो ट्रैफिक जाम में हटका हुआ है मेरे हिसाब से, तो एक बार मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कहाँ है वो। ओके तो वो भी पहुँच गए, तो अपन आ गए अपने गैरेज पॉइंट पे। सोनू भाई आ जाओ, किधर खड़ा करूँ इसको? चलो 4 बज गए। हाँ गार्ड गार्ड आ रहा है रिक्शे में। हाँ ये देखो आ गया, किधर गया रिक्शा? अरे कहाँ रह गया भाई? ए हे, रहा नहीं जाता। हो जाएगा ना वो जो पैसा दिया है, कितना हुआ देखो 44 हो जाएगा ना कुछ। वो मेरे को मैसेज करो, मैं जीपे कर देता हूँ, बस बस छोड़ दो, वो ले लेंगे वो। चलो ठीक है, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू थैंक यू। ये उल्टा है शायद, हाँ ठीक है जैसे भी है। तो फाइनली अनबॉक्सिंग हो रही है और इसका ये भी है खिल्ले विल्ले। ऊपर लाओ, देख लो अभी। सो आई एम रियली हैप्पी कि बसंती को फाइनली एक गार्ड पहनाने जा रहा है। ये पूरा टंकी से जॉइंट होएगा ये, टंकी से? हाँ पूरा ऐसा ही है, इसका है ना फोटो यहाँ पे रहेगा। कुछ तो दिया है इधर देखो, ये जो है ना ये यहाँ आएगा, इसका फोटो दिखा दूँ आपको तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे काम चालू हो चुका है। एक्चुअली 5-10 मिनट तो फिगर आउट करने में लग गए कि कैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये गार्ड मैंने मंगवाया है कोची से। तो फाइनली फिगर आउट करके अभी काम हो चुका है चालू। एक बार फिक्स जैसे हो जाता ना फिर आपको मैं सिनेमैटिक शॉट दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे बहुत चिल्लम चाली है। कैसे हो भाई? बढ़िया। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये देखो, फिटिंग करने में जितना टाइम नहीं लगा ना उतना ये निकालने में टाइम लग रहा है। ये साइड मैं लगा पड़ा और ये साइड भाई लगे पड़े। कितना हुआ भाई आपका? हाँ, ये तो मस्त फिक्स हो गया। अब बस ये मेहनत का काम है। जिसने भी लपेटा ये भाई उसको तो हैट्स ऑफ है। ये ऐसे नोच नोच के निकाल रहे हैं पूरा। फाइनली गार्ड लगा के हो चुका है अपना, और इसका फाइनल लुक जो है ना वो मैं आपको बाद में देता हूँ। पहले मैं स्टूडियो पहुँच जाता हूँ, बट फिलहाल अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और जो पहले का गार्ड था वो हमने इधर बांध लिया है और इसको मैं स्टूडियो में किधर रख दूंगा। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 5:08। 5:30 बजे का मेरा क्लास है कुरला में। भाई जगह देखो ना, मैं निकाल दूँ गाड़ी। ठीक है सोनू भाई, थैंक यू, मिलते हैं। फाइनली जो रैपिंग किया था ना बहुत खतरनाक किया था रैपिंग, क्योंकि ओहो ट्रेन, ये व्यू ले लो। देख के तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मतलब खुशी का अंदाज़ा नहीं है। फाइनली मतलब 5 या 4 महीने के बाद मेरे को गार्ड लगाना था। और पहले जो सोच रहा था ना वो सिंपल वाला था जो नॉर्मली सबके गाड़ी में दिखता है। तो ये मेरे को गार्ड है ना एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने भेजी थी ये वाली गार्ड। मैंने बोला यार अभी यही लगाना है क्योंकि कुछ अलग भी लग रहा है ये गार्ड, और मैं चाहता हूँ कि अपनी बसंती जब रास्ते में निकले तो अलग लगे। तो फाइनली ये गार्ड लगवा दिया है मैंने। पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। और यहाँ पे कुछ तो आने वाला है ये हेडलाइट पे, तो वो मुंबई में कहीं नहीं मिल रहे। मैंने 2-3 डीलर से भी बात कर लिया है तो वो मुंबई में कहीं नहीं है। तो जो जगह से मैंने ये गार्ड्स मंगवाए उनसे भी पूछा तो उनके पास भी नहीं है। मेरे को है ना ये बनवाना पड़ेगा। देखते हैं, एक दिन टाइम निकाल के जाना पड़ेगा बॉम्बे साइड और फिर वहाँ से ये बनवाना पड़ेगा। पिक्चर अभी ख़त्म हुआ नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ सोच रखा है मैंने मेरे बसंती को, मतलब कैसे रेडी करवाना है। और जब वो हो जाएगा ना बहुत अमेजिंग लगने वाला है। और थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग भी किया है मैंने गार्ड्स के साथ। जब ये लग जाएगा तो मैं प्रॉपर आपको डिटेलिंग में बताऊँगा कि मैंने सोचा क्या है, वो गार्ड्स किस तरीके से यूज़ होने वाला है। अभी बताऊंगा ना तो आपको इतना समझेगा ना। और मुंबई में मेरे को नहीं लगता है किसी ने ये गार्ड्स लगवाए, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी एक्सपल्स में देखा नहीं है 5 महीने में कि किसी ने ऐसा गार्ड्स लगवाया है। सो आई होप आई एम द फर्स्ट वन जो ये गार्ड्स लगवाया है। और अगर आप किसी को ऐसे जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसने ऑलरेडी ऐसे गार्ड्स लगवाए हैं। मेरे को 5:30 बजे कुरला पहुंचना है। एक प्राइवेट सेशंस लेते हैं हम, तो हफ्ते में 2 दिन ही होता है वो, ट्यूसडे एंड थर्सडेज। अभी मेरी एक्सपल्स पतली नहीं है, अभी मेरी एक्सपल्स मोटी हो गई है। तो मेरी बसंती पतली नहीं रही। यहाँ पे ट्रैफिक है सो हम थोड़ा हाईवे में पहुँचते हैं, फिर हम अपना कैमरा चालू करते हैं। तो फाइनली ये अबे यार कुछ कैसे भी थूकते यार ये लोग। अच्छा हो गाड़ी पे उड़ा नहीं ना तो पकड़ के ना उससे पूछवाता मैं। अब सो मैं बोल रहा था फाइनली ये रोड बन चुका है और ये माहौल देखो भाई। ये जो ब्रिज बनेगा ना बहुत अमेजिंग बनेगा, और ये शायद से डायरेक्ट वर्सोवा में कनेक्ट होने वाला है ये ब्रिज। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं बट किधर तो कनेक्ट होएगा, वर्सोवा या फिर मिलन सबवे पे कनेक्ट होगा ये ऊपर वाला ब्रिज। और ये रहा एरोप्लेन। तो आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, हम आज जा रहे कुरला के साइड से, क्योंकि हम मोस्टली साइन के रास्ते से जाते थे। एंड आई होप कुरला वाला तो भाई ट्रैफिक मिलेगा ही। तो यहाँ पे एक हाईवे अपना फेवरेट है। सो रात के टाइम में यहाँ पे अरे यार बहुत आवाज़ आ रहा है इधर। सो मोस्टली रात के टाइम जब हम ट्रैवल करते हैं ना वही हाईवे से हम ट्रैवल करते हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओ भाई साहब ये क्या है, ऐसा लग रहा है इधर से आना ही नहीं चाहिए था। अपनी गाड़ी तो कहीं से भी उतर सकती है बट हम अभी देखते हैं किधर तक ये रास्ता ले जाता है अपने को। आगे ट्रैफिक वाला रहेगा ना तो सीन हो जाएगा भाई। सबको लेफ्ट जाना है सबको, लेकिन मेरे को सीधा जाना है भाई, मेरे को जाने दो बाहर। चलो चलो लेफ्ट टर्न है ना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है। गाड़ी वाला आगे निकले तो फिर मैं गैप मार के निकलूँ। देखते पहले कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। चलो बोला था ना ये गली के वजह से बहुत ट्रैफिक होता है। बस यहाँ पर ट्रैफिक ना मिले। ये थोड़ा तुम कुछ भी बोल लो, मिले या ना मिले, मिलना तो मतलब बनता ही है। यहाँ पे ट्रैफिक ना होगा तो कैसा चलेगा। यहाँ पे शायद से किसी ने ठोक दिया है गाड़ी। चलो कुछ हुआ नहीं है, हुआ है नंबर प्लेट में स्क्रैच आया, उसका नंबर प्लेट पूरा बेंड हो गया है। जिधर तक नज़र जा रही है उधर तक ट्रैफिक है। ये कौन सी स्कूटी है यार? इलेक्ट्रिक है लेकिन कुछ तो लिखा है, वीडा लिखा है, वीडा VIDA। एक से एक इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, फ्यूचर ब्राइट लग रहा है मेरे को। लेकिन भाई हमसे ना हो पाएगा ये सब इलेक्ट्रिक चीज़ें। पता नहीं कब किधर फंस जाए, कौन से ऑफ रोडिंग में फंस जाए ये सब चीज़ें। ये नॉर्मल रोड के लिए ठीक है। चलो अपने को भी अभी साइड से निकलना पड़ेगा क्योंकि कुछ स्कोप नहीं दिख रहा मेरे को। स्कोप मंजे गैप। आगे जाने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। यहाँ से मेरे को स्कोप थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम निकल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रैफिक में फंसते हो ना तो चुपचाप से लेफ़्ट साइड पकड़ लेने का, क्योंकि वो निकल ही जाता है कुछ ना कुछ करके। तो लेफ़्ट साइड से निकलने का स्कोप बहुत बढ़िया है मुंबई में, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो तो जैसे कि अभी एक गार्ड्स लगा दिया है मैंने, और अभी मुझे ना बहुत ज़ोर से मन हो रहा है कि मैं कोई एक राइड पर जाऊँ, मॉर्निंग राइड ही सही। चलो भाई को आने तो पहले। अच्छा भाई को क्रॉस करना है। वाह बेटे वाह, मौज कर दी तुमने तो रॉन्ग वे से आके। थोड़ा देख के भी चलाना पड़ता है यार, बाइक है ना भाई, मतलब देख के चलाना ही पड़ता है, कोई किधर से भी आ जाता है। सो मैं बात कर रहा था राइड के बारे में। पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ राइड के बारे में। राइट में जगह है, फिर भी लेफ़्ट में दबाना है भाई लोगों को। बस यही चक्कर में है ना मैं यहाँ से आता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाता है। साइन थोड़ा मेरे को घूम के पड़ता है, ये चीज़ हो जाता है हाथ में। देखो लालम लाल। वो एक्टिवा वाले को देखो भाई, सांप बना के जा रहा है वो तो। हम प्लान कर रहे हैं एक राइड जो कि मॉर्निंग राइड होने वाली है, थपोली के आसपास है, हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं वो चीज़। और आप लोग को भी बताऊंगा मैं कि मतलब उधर जाने का फीलिंग क्या है और वहाँ जाने का मतलब क्या है, जो भी है सब बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग पर। ये व्लॉग जैसे ही खत्म होता है ना तो वेट करना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 700 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके। तो रिसेंटली मैंने देखा था 715 सब्सक्राइबर्स हो चुके, तो ज़्यादा दूर नहीं है 1000 सब्सक्राइबर का सफ़र। अगर आप लोग चाहते हो कि तुम्हारे भाई का जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और आपको पता ही है अपने मॉम डैड, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो भी है, Ride 56 डालो और सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन के साथ, ताकि उनको भी वो पता चले ना हमारा जर्नी है। सो मैं वहाँ पहुँच के पहले क्लास ले लेता हूँ, फिर क्लास लेने के बाद मेरे पास 15 मिनट बचा होगा। सो वो 15 मिनट में ना मैं तुमको ये पूरा एक प्रॉपरली सिनेमैटिक शॉट दे देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं और इसका ही क्लास लेने आता हूँ मैं, कुरला। खुल जाओ सिम सिम से, खुल जाओ सिम सिम, खुल जाओ सिम सिम। चलो लेट्स गो। सो यू कैन कम नाइस। So tell your name to my subscribers. Well, नाम तो बता। No, they don't know. No, you know them. You tell them. अरे, you say no, so it will be. My name is Khan. Your name is Khan. I said gun. Okay, gun. You have gun. अच्छा, tell your name. Come on. What's your name? My name is Rehanj. Did you subscribe my channel? I only liked it and subscribed. You didn't subscribe? No. You just liked my video? I didn't find the subscribe button. So इसके लिए अच्छा लगता है हमें, बच्चे लोगों का क्लास लेना है, मन के सच्चे होता है, मतलब जो भी होता है बोल देते हैं। तो उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बट वो बोल रहा है कि मैं देखता हूँ और लाइक करता हूँ बस। ओके, तो फाइनली क्लास लेके ख़त्म हो गया एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपने बसंती के पास। तो यहाँ पे आप लोग को एक सिनेमैटिक शॉट दे देता हूँ कि वो गार्ड्स लग कैसे रहा है, क्योंकि मैंने भी है ना बराबर से देखा नहीं है कि वो गार्ड्स कैसे लग रहे हैं। मतलब जी भर के नहीं देखा, ऑब्वियसली देखा है बट जी भर के नहीं देखा। चलो सिनेमैटिक शॉट दे देते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सिनेमैटिक अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं जाता हूँ अपने स्टूडियो और वहाँ पे भी आई थिंक आज मेरा 7 to 9 तक का क्लास है आज, सो वो ख़त्म करिए फिर मैं निकलूँगा घर। ओके, तो फाइनली अभी मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 10:26 और अभी जाके थोड़ा आज का दिन थोड़ा मेरा लॉन्ग था, क्लास भी थोड़ा लेट तक था क्योंकि वेडिंग कोरियोग्राफीज भी चल रही है साथों साथ। तो अभी मैं थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ कि ये गार्ड्स मैंने लाया कहाँ से। सो मैंने ऑनलाइन परचेस करा है। सो अभी मैं स्क्रीन में ना यहाँ पे किधर भी देख लो अभी डाल दूंगा मैं, और इंस्टाग्राम के पेज भी हैं उनके, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो और उनको मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टेंट रिप्लाई दे देते हैं। तो मेरे को ये गार्ड पड़ा है 6000 का विद डिलीवरी चार्जेस। तो डिलीवरी भी एक दिन पहला हो गया था। तो ओवरऑल इनका सर्विस बहुत सही लगा मेरे को। सो आई होप आपको भी पसंद आया होगा ये गार्ड और आप भी अपने एक्सपल्स पे या फिर रैली एडिशन या जो भी आप चला रहे हो एक्सपल्स के वर्जन में, तो आप ये गार्ड लगा सकते हो। और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे लोगों के कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुंबई में मेरे को नहीं पता कि किसी ने लगवाया कि नहीं लगवाया, बट मैंने आज तक तो नहीं देखा है ऐसे किसी के एक्सपल्स पे, बट आई थिंक मेरा सबसे पहला वाला है। और वो जो प्लास्टिक था ना, वो खोलते खोलते मेरे उंगली लिटरली पेन कर रहा है। तो यस, उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पता आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हम्बल, स्टे स्ट्रॉन्ग। हमने काफ़ी टाइम ले लिया उसको तो हमने काफ़ी टाइम ले लिया था उसको प्रॉपर